असलेंट्स एम सी क्यूज नंबर थर्टी थ्री हमारे सामने है पेपर हमारे पास टू थाउजेंड नाइन का है वेरियंट इसका क्यू पी वन वन है द करंट इन दैम्प ऑफ द फुलिस जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर द फ्लैक्सीबल्प इज डिजाइन फॉर करंट अप टू द फाइव एम्पियर सो इट कैन सेफली कैरी दीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर टेकन बाई द लैम्प विच फ्यूज शुड बी इंसर्टेड इन द प्लग एट द अदर एंड ऑफ द फ्लैक्सीबल केबल अच्छा जी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास जो फुल ब्राइटनेस है लैम्प की वह है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव एम पियर पर वो फुल ब्राइट होता है और इससे ज़्यादा मतलब इनफ मेरा ख्याल है फुल करंट इसको मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव एम पियर जब करंट मिल जाता है तो वो उसके लिए इनफ है लेकिन वो केबल जो उस करंट को लेकर आ रही है वो फाइव एम पियर तक कैरी कर सकती है अच्छा अब हमने सेव करना है उसने क्या विच बी विच फ्यूज शुड बी इंसर्टेड इन द प्लग एट द अदर एंड ऑफ द फ्लैक्सीबल केबल अब एक बात जहन में रखिएगा कि फ्यूज़ हमेशा जब आप चूज़ करते हैं तो वो अपलाइंस के हवाले से चूज़ करते हैं कि जो अपलायंस आप जिसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अब यहाँ पे आप बेसिकली केबल को प्रोटेक्ट नहीं करें आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस लैंप को ठीक है ना जिसकी ब्राइटनेस 0.25 पॉइंट तक हो जाती है तो अब आप पॉइंट टू का फ्यूज़ तो लगाएंगे नहीं जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्योंकि उसको तो ऑन है होने के लिए ही पॉइंट टू चाहिए तो पॉइंट टू का फ्यूज़ लगा दिया तो वो तो ऑन ही नहीं होगा क्योंकि पॉइंट टू एमपियर का फ्यूज बेसिकली आपके पास जो फ्यूज़ है ये जो पॉइंट टू एम्पियर है तो अगर यहाँ पे पॉइंट टू एम्पियर का फ्यूज़ आपने लगा दिया है इस इधर वायर में तो ये तो पॉइंट टू एम्पियर करंट आने पर ही मेल्ट हो जाएगा तो जब ये मेल्ट हो जाएगा आपके पास और ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर जो लैंप है ये उसको करंट नहीं दे सकेगा और करंट प्रोवाइड नहीं होगा लैंप तक तो लैंप ऑन नहीं होगा तो पॉइंट टू एम्पियर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं हाँ इससे स्लाइटली ज़्यादा वैल्यूज पर चले जाएँ तो वन एमपियर फ्यूज़ बिल्कुल सही है वन एमपियर का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन फाइव एमपियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इवन के फाइव एमपियर का फ्यूज़ तो वो जो है उसकी जो ब्राइट वो जब आप लैम्प तक जाएगा करंट तो उसका जो फिलामेंट है हो सकता है वो ही मेल्ट हो जाए तो इसलिए ये वाला फाइव एमपियर वाला फ्यूज़ हम यूज़ नहीं कर सकते और टेन एम्पेयर तो सवाल ही पता नहीं होता वो तो एक्सटेंशन जो वायर लगी हुई है वो तो उसके लिए भी इनफ नहीं है तो ये तो बहुत ही हाई रेटिंग है तो आपके पास जो सूटेबल रेटिंग होगी यहाँ पर वो होगी वन एमपेयर की

कि अगर आप वायर को होल्ड कर लेते हैं जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूँ फिगर भी दिखा देता हूँ उसकी राइट हैंड रूल ये आपके सामने है मैं आपको शो भी कर रहा हूँ ये देख लें अब ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जब करंट आउट ऑफ द पेज आता है तो फिंगर का कर्ल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है और यहाँ पे मैं देख आप देख सकते हैं सर्कल्स बने हुए और ये सर्कल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यू कैन सी दिस वन ये एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में बने हुए तो इन्हीं चीज़ को जहन में रखते हुए हम यहाँ पर भी ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी जो करंट आ रहा है वो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है तो इसको जहन में रखते हुए अब मैं आपके सामने कुछ ड्रा कर देता हूँ ये आप देख सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगा इसके तो इसकी जो लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी ठीक है ना और इन लाइंस को जो फॉलो कर रही हैं वो एक ही कंपास करता हुआ नज़र आ रहा है हमें और वो कौन सा कंपास है आप देख सकते हैं वो है सी क्योंकि सी में डायरेक्शन इस तरफ है ठीक है और सी वाला कंपास जो है वो बिल्कुल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लूप को फॉलो कर रहे हैं देख भी रहे हैं आप यहाँ पे सी तो राइट ऑप्शन आपके पास इसमें सी हो जाएगा थर्टी फाइव में कहा जा रहा है कि इसमें ट्रांसफार्मर हैज अ फिफ्टी टर्न ऑन इट्स प्राइमरी कोयल एंड द ऑन इट्स सेकेंडरी कोयल एंड अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ऑफ दी फाइव वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कोयल अच्छा जी ठीक है तो सेकेंडरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो वोल्ट भी ज़्यादा होगा देख जी फिफ्टी से हंड्रेड टन हो गए तो मेंटल मैथ कर सकते हैं आप यहाँ पे और मेंटल मैथ करते हुए आप इसको ये कर लें कि आप इसको डबल कर लें क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ डबल हो रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव वोल्ट से यहाँ पे सेकेंडरी कोयल का वोल्ट भी डबल हो जाएगा चाहे तो आपकी मर्जी है आप फार्मूला यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं फार्मूला आपके पास सिंपल है यहाँ पे वेट फार्मूला आपके पास यहाँ पर सिंपल है और फार्मूला आप यहाँ कौन सा यूज़ करेंगे वी एस ओवर वी पी इक्वल्स टू एन एस ओवर एन पी ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज करते हुए इजीली फाइंड कर सकते हैं तो बहरहाल वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कोयल मैंने मेंटल मैथ किया यहाँ पे आप फार्मूला भी यूज करना डबल कर देंगे ट्वेंटी फाइव का डबल हो जाएगा फिफ्टी वोल्ट्स तो यहाँ पर आपके पास फिफ्टी वोल्ट्स राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नंबर थर्टी सिक्स में देखते हैं जी इन अ अ कैथोड हॉट इनथोड्यूब कैथोड रिलीज द पार्टिकल्स दर्मियोनिक्स वट आर दीज पार्टिकल्स तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं है ये पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं जो रेस इमिट कर रही होती है तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है थैंक यू गाइज सो नाइस ऑफ यू